जो मुअज्जज मेहमानान ग्रामीय कदर पहुंच चुके हैं उनमें पाकिस्तान के नामवर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर और मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब सूची तौर पे तशरीफ ला चुके हैं, वो हमारे दरमियान पंडाल में मौजूद है, उनके लिए क्लैपिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद फैसलाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के नाम पर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब जफर अब्बास ल्यूसा साहब भी हमारे दरमियान पंडाल में मौजूद हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मुबद्दत शाह साहब भी हमारे दरमियान पंडाल में मौजूद है, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए, वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान मौजूद है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के नामवर मरूफ नाथ खान मोहम्मद आरफ कादरी साहब भी सूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। फिर उसके बाद अरशद अली गोलड़वी चिश्ती वो भी सूसी तौर पे पाकिस्तान के मशहूर नाथ खान वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेर तमाम जो भी हैं अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 5 का इफ्तिताह करने हम जा रहे हैं, उसके लिए वो हमारे दरमियान मौजूद है। फिर उसके बाद अयूब रिसर्च में साइंटिस्ट डॉक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साइंटिस्ट डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल रिसर्चर डॉक्टर साइंटिस्ट जनाब मोहतरम डॉक्टर मुजफ्फर हमाद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग आप लोग करें, दिल खोल के उनका इस्तकबाल करें, वो भी खुशी तौर पे हमारे लिए तशरीफ लेके आए हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन तर्जमान सेक्रेटरी जनरल इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम रिहान कदीर अंजम साहब, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। फिर उसके लिए इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफीक साहब वो भी हमारे पंडाल में मौजूद हैं, तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए भी आप क्लैपिंग करें। फिर उसके बाद हमारे फैसलाबाद के होम्योपैथिक लवर्स सपोर्टर्स प्रमोटर्स मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद के अंसर अब्बास साहब वो भी खुशी तौर पे तशरीफ ला चुके हैं पंडाल में, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। तो तमाम मुअज्जज मेहमानों ने ग्रामीय कदर जो है वो तशरीफ ला चुके हैं, और सबसे खुशी वाली बात हमारे लिए ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन पाकिस्तान पॉपुलेशन के जो प्रेसिडेंट हैं इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम खालिद महमूद साहब खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहते हैं। वो कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के फैसलाबाद डिवीजन के प्रेसिडेंट भी हैं, हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम जो भी मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 5 का आज ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके लिए खुशी तौर पे हमारे पास तशरीफ लेके आए हैं। हम अपनी जो हमारी सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताही तकरीब का आगाज हम अपने रवायती अंदाज से जो करते हैं, फिर उसके बाद
हमारी जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद की म्यूजिकल टीम के सरबराह हैं, पाकिस्तान के मारूफ उभरते हुए नौजवान कवाल जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम शराज अली साहब, वो भी खुसूसी तौर पे तशरीफ ला चुके हैं। आज वो आपको होम्योपैथिक के तरानों से जो है वो आपको महसूस करेंगे। फिर उसके बाद उनके जो ब्रदर हैं कलब आबाद साहब, उनके भी हम शुक्र गुजार हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो हमारे पंडाल में तशरीफ लेके आए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के मरूफ तबला नवाजों में जिनका शुमार होता है पाकिस्तान के जनाब फराज अली साहब, खुसूसी तौर पे वो भी तशरीफ लेके आए। फिर उसके बाद फैसलाबाद पाकिस्तान के मजे हुए तबला नवाज जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल बाबर अली साहब, वो भी खुसूसी तौर पे पंडाल में मौजूद है। फिर उसके बाद राहत फतेह अली खान के साथ परफॉर्म करने वाले नईम आबाद साहब भी जो तबला नवाज है पाकिस्तान के मजे हुए, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। फिर उसके बाद मजर आबाद साहब तबला नवाज, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। और आज वो जो हमने गायकी का प्रोग्राम रखा है और होम्योपैथिक के जो तराने आज गूंजेंगे यहाँ गुलाम अहमदाबाद रोड थाना पुलिस स्टेशन गुलाम अहमदाबाद और बैरवी हॉस्पिटल के करीब, और इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल हमारे भाई जनाब मोहतरम चौधरी तहा डोगर की हम दुकानों में इस तरह इस वक्त मौजूद हैं, वो भी हमारे पंडाल में तशरीफ लाएंगे। और हम शुक्र गुजार हैं कि इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर मोहम्मद मलक मोहम्मद सदीक साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी खुशी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लेके आए हैं। हम उन्हें भी दिल किया था गहराइयों से जो है पंडाल में खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने रवायती अंदाज से अपनी जो हमारी इफ्तिताही तकरीबात होती है पूरे पाकिस्तान में, उसका आगाज जो है वो तलावत कुरान पाक के साथ करेंगे। तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम मोहम्मद आरफ कादरी साहब से कि वो तलावत कुरान पाक जो है वो पेश करें। الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدينه ولا يا من دلال मेरी आका दे आमंदा महीना इंशाल्लाह शुरू हो गया जय वाले ला मदीने वाला मीना दलाल मदीने वाला मीना दलाल ओ लगिया ने बाजन दा मदीने वाला मीना दलाल ओ लगिया ने बाजन दा सहारज दा कोई मदीने वाला मीना दलाल मदीने वाला मीना दलाल। इतने खूबसूरत अंदाज के साथ मोहम्मद आरफ कादरी साहब ने आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ एहतराम के साथ पढ़ी। इसके बाद पाकिस्तान के मारूफ नाथ खान अरशद अली गुलर भी चिश्ती साहब हजूर नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक्दस में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अशहद अली गोदर बिन चिश्ती सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम डोली चुप कर मेरे लिए बोलती चुप कर मेरे लिए जान बोलती रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हमारे मेहमाना ने ग्रामीय कदर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के सरबराहान और मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट के सरबराह इंतहाई काबिले एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम खालिद हमीद एडवोकेट साहब और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मियां अब्द हमीद एडवोकेट साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों से, क्लैपिंग हो जाए जी मियां साहब के लिए, क्लैपिंग हो जाए। वो तशरीफ ला चुके हैं हमारे मौजूद मेहमान आने ग्रामीय कदर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 5 का आज इफ्तिताह होने जा रहा है और ओपनिंग सेरेमनी जो आज रखी गई है उसके लिए उसका शानदार अजीमो शान इफ्तिताह करने के लिए उसकी ओपनिंग सेरेमनी इस ब्रांच का इफ्तिताह करने के लिए मुअज्जज मेहमाना ने ग्रामीय कदर डॉक्टर साहिबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिले एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम आबद हमीद एडवोकेट साहब और मियां इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के कायद इंतहाई काबिले एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम खालिद हमीद एडवोकेट साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम 5 में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। तारीख ने साबित किया है, वक्त ने साबित किया है कि आने वाला दौर जो है और इस जदीद दौर में ग्लोबल वर्ल्ड में आज हम इंतहाई काबिले एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिले एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद शफीक एडवोकेट साहब को भी पंडाल में तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं और वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम 5 में आज तशरीफ लाए हैं। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है।
इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर है डॉक्टर डेविड फेरी, डॉक्टर माइकल रियान और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव WHO हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, न सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा, बल्कि जितने भी एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं और जितने भी पूरी दुनिया में हकीम हजरात हैं, अतिपा ग्राम है, उन्हें भी अपना तरीका इलाज छोड़ के जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाना होगा। अगर आपने खिदमत खलक करनी है, अगर दुखी मरीजों का आपने इलाज करना है, तो फिर दुनिया में वो वाहत रास्ता है, वो वाहत तरीका इलाज है, वो वाहत मेडिकल साइंस है के होम्योपैथी मेडिकल साइंस, उसका यूज उसका चूज करना होगा, उसकी तरफ सबको लौट के आना होगा। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के जो जादुई तिलस्माती मौजादी करिश्माती और चमत्कारी असरात है, उनके असरात से जो है वो लाइलाज बना बीमारियों में मुबतला मरीज जो है वो शिफाएं पाता है। अब हम अपना रिवायती अंदाज अपनाएंगे और हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथिक म्यूजिकल टीम जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है पंडाल में। मैं दरखास्त करूंगा कि जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक म्यूजिकल टीम के जो सरबराह हैं शराज अली कमाल और उनके हमनवा वो स्टेज पे आ जाए और अपना जो है वो साजो आवाज जो है अपने साजो आवाज के साथ स्टेज पे तशरीफ लेके आए। जी जो है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग वुमन फैसला पाकिस्तान के घेरे तमाम होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम 5 का आज इफ्तिताह होने जा रहा है और ये हमारी मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम की ये 5वीं जो है वो ब्रांच ओपन होने जा रही है। इसके लिए आज होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे पाकिस्तान के और हमारे मेडिकल साइंस में रिसर्चर डॉक्टर जनाब मोहतरम, सबसे पहले मैं नाम लूंगा मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी को, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी है, उसकी तरफ से इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब सुजी तौर पर हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ लेके आए, उन्हें हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ मजे हुए होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहम्मद जिक्रिया साहब तशरीफ लेके आए, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जफर अब्बास ल्यूसा साहब वो तशरीफ लेके आए, हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवा वुमन फैसलाबाद पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन तर्जमान सेक्रेटरी जनरल इंतहाई काबिल एहतराम होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम रिहान कदीर रंजन साहब सुजी तौर पर तशरीफ लेके आए, हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवा वुमन फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफीक साहब लोग सुजी तौर पर हमारे पंडाल में तशरीफ लेके आए, हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एमफिल के रिसर्चर डॉक्टर साइंटिस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जफर हमाद साहब सुजी तौर पर हमारी मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 5 में तशरीफ लेके आए, हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से पंडाल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन जी का अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और हमारे मौजूद मेहमान ने ग्रामीय कदर मियां आबद हमीद एडवोकेट और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मियां खालिद हमीद एडवोकेट साहब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग वुमन फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे इंतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम 5 का आज अजीमो शान इफ्तिताह
अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। मैं उनसे दरखास्त करूंगा तमाम मोहतरम मेहमान ग्रामीण कदर जो है इधर तशरीफ लेके आए। ब्रांच सिस्टम 5 का आज इख्तिताब ओपनिंग सेरेमनी अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। जब वो फीता काटे तो जोरदार क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। जी अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं किया तमाम दोस्त तस्वीर रखे।